आखिर क्यों महाबली शेरा का रेसलिंग करियर खतरे में पड़ चुका है? क्या वजह है कि भारत के शेर की बार बार हार हो रही है? वो रेसलर जिसके बारे में हर कोई बात किया करता था, आज उसे इतना तगड़ा और खतरनाक नहीं माना जाता। तो क्या है महाबली शेरा के फेल और फ्लॉप होने की वजह, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब से वीर महान ने WWE में आकर तबाही मचाना शुरू की और भूपिंदर गुज्जर इंपैक्ट रेसलिंग में आए हैं, तब से इंडियन फैंस ने महाबली शेरा के बारे में बात करना ही बंद कर दिया है। OVW में भले ही शेरा ने नेशनल हैवीवेट चैंपियनशिप जीती, लेकिन इंपैक्ट रेसलिंग में वो ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और इंपैक्ट में भी उन्हें अब भूपिंदर ने रिप्लेस करके उनकी जगह ले ली, जिस वजह से शेरा को पुश नहीं मिल पा रहा और वो काफी ज्यादा फीके पड़ गए। बार बार उन्हें हारने के लिए बुक किया जा रहा है। शेरा के इस डाउनफॉल के पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कि वो अपने फैंस से इतने अच्छे से जुड़ नहीं पाए जितने अच्छे से वीर महान या भूपिंदर गुज्जर जुड़े हुए हैं। शेरा ने अपने 11 सालों के एक्सपीरियंस के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस में भी इतना सुधार नहीं किया जिससे उन्हें पुश मिले। यहाँ तक कि इतने सालों तक अमेरिका में रहने के बावजूद भी शेरा ने अपने माइक स्किल्स में सुधार नहीं लाया। अगर आप उनके OVW के प्रोमो सुनेंगे तो उनमें भी आपको साफ साफ पता चलेगा कि शेरा अपने प्रोमोस की तैयारी या उनके लिए रिहर्सल भी नहीं करते, जो कि एकदम अनप्रोफेशनल है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।